अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग है ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स है ना एम्स के, वो मिल नहीं रहे हैं, और रान का बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो हमें ये मिला है खजाना, ये देखो मिस्टर कामिनी खान, ये कामिनी खान ये देखो कितने साल पुराने, 10 साल की है ना। ओहो, ये तो कपल वाला पोज दे रहे हो आप दोनों। अरे वो घोड़े पे बैठी हुई है, ये देखो। ये देखा क्या देखा, कब मैंने इम्प्रूव किया था ये रजिस्टर मेरा, तो मैं इंग्लिश सीख रहा था ना, मैंने सारी है। अच्छा, ये खजाना आपका। ओहो, तो आपकी डायरी हो गई है तो फिर देखो 2007 की संभाल के रखी है मैंने। अरे बहुत कुछ है इसमें, अरे बहुत कुछ है, दिखाऊंगी मैं, दिखाऊंगी और भी क्या क्या है। कामिनी खान के पुराने लव लेटर भी मिले आज में हम लोग। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज छठा रोज़ा है और चैलेंज का जो है नवा दिन है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपना चैलेंज जो है बरकरार रखने के लिए। मेरा मन नहीं करता है व्लॉगिंग का, कभी कभार होता है ना, पहले तो फिर भी मैं व्लॉग डालती थी, 3-4 दिन का ऑफ ले लेती थी, फिर व्लॉग डालती थी। अभी तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू व्लॉग डालने पड़ रहे हैं, और कभी आपका मन होता है व्लॉगिंग का, कभी नहीं भी होता है, ठीक है। सो और इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं मैं उनके लिए बना रही हूँ, ताकि उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं हो कि यार चैलेंज का पूरा क्यों नहीं किया। सो कामिल और आज संडे है, सो कामिल वगैरह सब घर पे ही है, बच्चे भी घर पे हैं, और ये शैतान को मैंने सुलाया है, ये कौन नॉक कर रहा है, सन्नाटा। औरान का नाम क्या लिखना है उसमें, कब है औरान, कामिल खान करवा दो, डेट ऑफ बर्थ शेड्यूल दोबारा बनाना पड़ेगा, 1500 रुपये और लगेंगे। ठीक है, मैं तो फ्री में बनवाया था मैंने तो। अरे तो तब फ्री में बनता है, पर तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो दोबारा 1500 रुपये देने। थैंक यू। अब बताओ क्या बताऊँ, नाम औरान कामिल खान करवा दो, तो नहीं सुल्ताना खान करवा दो, औरान सुल्ताना खान करवा दो। हो सकता है कि यही होगा ना जो आप बोल रहे हो, फिर क्या है, औरान कामिल खान भी हो सकता है। हाँ तो वही करवाओ, या औरान खान ही करवाओ, मुझे औरान कामिल खान करवाओ, फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि और भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें, फिर कामिल खान बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि फादर में भी आ जाएगा, नेम में भी आ जाएगा, या तो सिर्फ औरान कामिल हो सकता है, या फिर औरान खान हो सकता है। औरान खान करवा, वापस बनवा रहे बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है तो कोई बात नहीं, बनवा लो, क्या फर्क पड़ता है, करना पड़ेगा। अब आगे वो मैरिज सर्टिफिकेट का हो गया सारा काम, तो दे दिया नोटरी होगी वकील से, क्या होगी नोटरी, नोटरी। अच्छा सो गया, मुझे लगता है ये जब भी इसको थोड़ा सा मैं देखती हूँ ना क्या अच्छा लग रहा है, इसको नजर हो जाती है, फिर ये कंटिन्यू ऐसे हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा रोता है। पहले तो नहीं रोता, मैं गया तब तक तो नहीं रोता, रो रहा था आज तो बहुत रोया, आज तो दो बार ऐसे रोया है, मैं गया तब तक तो नहीं रोता, आज तो दो बार ऐसे बुरी तरीके से रोया ना, ये समझ ही नहीं आया मुझे रो क्यों रहा है। करो मैं तो कुछ भी अच्छा लग रहा है मैं बोल देती हूँ, कुछ ढंग का कुछ खा लेता है कभी कभार, तो आप बोल लेते हो जी। नमाज पढ़ ली और अब जो है दोपहर का टाइम है, तो थोड़ा सो जाते हैं। और हान में ओ की मात्रा एक आती है, ये हिंदी में बड़ा अजीब सा है ना, इंग्लिश में तो फिर भी अच्छा है,
हिंदी में उड़ान का नाम बड़ा अजीब सा लिखा जाता है, और हान ओ लिखना पड़ेगा, अ से शुरू होगा इसका नाम। ठीक है जी, सो चलो मैं, हाँ तो मैंने ये बताया ना, और एक ही मात्रा आई है और हान में। सो जी, उड़ान का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ तो है लेकिन मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ मिल। मेरे जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स है ना, अब मुझे याद है कि मैं यहाँ ले आई हूँ, लेकिन यहाँ जो है हम लोगों ने आज सुबह पूरा रूम छान मारा, यहाँ नहीं मिला है। वहाँ पे मम्मी पापा ने और दानिश ने भी देख लिया, वहाँ पे भी नहीं मिला है। सो बच्चा अब यही है कि हाँ, तो ये दूसरा सर्टिफिकेट मिल जाने के बन जाने के बाद जो है मिलेगा हमारा ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, अब नया बन रहा है तो कोई बात नहीं, काम हो जाना चाहिए। और मैं सर्टिफिकेट भी हमारा बन रहा है अल्लाह के करम से, बहुत जल्द बन रहा है। अभी क्यों बन रहा है, दो चार साल और रुक जाते, दो तीन के बाद बना लेते। ठीक है जी, सो अभी जो है सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठ के जो है इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। सो अभी बज रहे 4:30 और अभी जस्ट 4 बजे के 4:15 के करीब मैं उठ के आराम से सुसु कराया, मज़े बनाया और फ्रेश हो गई हूँ, थोड़ा सा चलिए जी इफ्तारी की तैयारी करते हैं फटाफट से। तो जी कामिल बना रहे हैं चूल्हे पे चिकन, और मैं जो आलू की पेटीज बना रही हूँ, मतलब कुछ नहीं, बेसन की गोल में आलू की ऐसे गोल टाइप टिक्की बना के जो है तेल में फ्राई करनी है। अदरक नहीं, अदरक पहले उकलने को थोड़ी सी फिर डालूँ। और आजकल जो है हम लोग रोज़े के चक्कर में, भाई साहब और जो नहीं रोज़ा रखते ना उनके लिए चाय बनाना भूल जाते हैं, क्योंकि हम रोज़ा नहीं, हम रोज़े से हैं इसलिए। और जिसकी वजह से हमें बहुत जल्द भारी वाली डांट पड़ने वाली है, अभी छोटी मोटी डांट पड़ रही है, फिर भारी वाली डांट पड़ेगी। क्रंची है, थोड़ा और करूं, हाँ करूं और वापस डाल दूं ये, ये तो ठीक है उसे अब कर लो, फिर मैं वो ये डालूंगा। रोजी खुल रही है, अच्छा माइक में जिस आवाज नहीं सुना है, रोजे खुले में इस कार्य में से बाकी रहे। हमारे साथ इफ्तारी पे आज नया मेहमान आया, नयो कन्यो पुरानी है ये होने तो शादी के बाद नयो नयो इतनी जल्दी। तो जी रोज़ा खोल लिया, इफ्तारी कर ली, नमाज़ भी पढ़ ली, और अब जो है मैं व्लॉग एडिट कर रही थी फटाफट से डालने के लिए। एक तो मैं दिन में ना मतलब पूरे दिन में व्लॉग भूल जाती हूँ बनाना, तो इस वजह से जो है अभी
पूरे दिन का भी जो शाम को बनाया जो डाल रही हूँ। सो आई होप आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, बहुत मेहनत करी हूँ भाई साहब। ठीक है जी, सो फटाफट से ये ब्लॉग आ रहा है और आई होप आप लोगों का आज का भी रोज़ा बहुत अच्छा गया होगा, आपका मेरा भी बहुत अच्छा गया सारे रोज़ों की तरह। ठीक है जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सबको अल्लाह हाफिज़। और मैं पी लेती हूँ अपनी चाय अदरक वाली।